अम्मा ये लो दूध रसोई घर में रख दो। क्या ताली बजाऊं? बाहर जाके ताली बजा के आऊं? क्या बोल रही हो, ताली बजा के धरती पे लेट जाऊं? बैल गाय। हाँ अम्मा, गाय ताली नहीं बजाती। गाय का गोबर। नहीं 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 नहीं, गुंडप्पे से मंगा लो ना। क्या? अरे ये शाटा कहाँ रह गई? हाँ तो गुंडप्पे को बोलो दर्पण ना देखे। अच्छा गुंडप्पा गुरुकुल जाने के लिए तैयार हो रहा है। नहीं नहीं अम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है। जा रो, मानना नहीं, मानना नहीं, मैं जा रो, मैं जा, गोबर गोबर लेके आ रो, ला रो गोबर। महाराज, क्या आपकी मुंह बोली बहन भानुमती को ये लगता है कि हमारे अंदर संस्कार नहीं है? नहीं महाराज। अब वो यहाँ आकर हमें संस्कार सिखाएंगी? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महारानी चिन्ना देवी, इनकी बात का बुरा मत मानिए। बात यह कि बहुत प्रेम करती है वो हमसे, बहुत चिंतित रहती है हमको लेकर, और सबसे खुशी की बात तो यह है कि भानुमति विजयनगर आ रही है। अद्भुत। ए लो तुम्हारा गोबर। तुम्हारा नहीं अमेश्वरी, गाय का गोबर। बापू, आज प्रातः से आपने मुझे प्यार नहीं किया। अरे अरे, कहाँ चले आप? रुकिए, आप भास्कर को संभालिए, हम आपके लिए अल्पाहार तैयार करके लाते हैं। ले 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 ले, चुप हो जा मेरे राजकुमार, मेरे आंखों के तारे, चुप हो जा। मेरा श्लोक सुन ले लामा, देख मुझे स्मरण हुआ है या नहीं। सुना। ओम अग्नि मिले पुलोहितम यज्ञस्थ देवम लत्विजम। ओ गुंडप्पा चाचू, पुनः प्रारंभ हो गए। अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ भास्कर? मार रही है, अभी आ रही है, चुप हो जाओ। अम्मा कह लिए तुझे चुप लेना भी नहीं आता है। ओ शमा कर ला। अम्मा के लिए तुझे बालक को चुप कराना भी नहीं आता। और नहीं तो क्या, सुबह उठते उठते इतने सारे कार्य करवाने लगते हो मुझसे। दरबार जाने से पूर्व अल्पाहार चाहिए तो सबको मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा। बोल तो ऐसे रहे जैसे कहीं के बड़े राजा महाराजा लगे हैं। वही तो, काश के मैं राजा होता कहीं का। महाराज कोई देख लो कितना आनंद है जीवन में, कोई कार्य नहीं करना होता। प्रातः उठते ही सेवक सेविकाएं समस्त कार्य कर देते हैं, रसोईया समय पर भोजन दे देता है, तत्पश्चात दरबार में आते हैं, प्रजा का कष्ट सुनते हैं, और उनका निवारण करने के लिए मैं मंत्रीवर गुरुवर और बाकी मंत्रीगण होते हैं। महाराज को तो केवल आदेश देना होता है। मुझे देखो, मेरे भाग्य में कार्य ही कार्य है, घर में कार्य, बाहर कार्य, दरबार में कार्य, तुम्हें ज्ञात भी है कितना व्यतीत हो चुका हूं मैं। स्वयं के तुच्छ कार्यों की तुलना महाराज के कार्यों से मत कर। तू नहीं जानता कि एक सम्राट के ऊपर कितने दायित्व होते हैं, तू तो एक को भी नहीं संभाल पाएगा। यदि तुमने श्लोक नहीं सुनाए तो मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। गुंडप्पा, श्लोक सुनाना आरंभ करो। ओम अग्नि मिले पुलोहित यज्ञस्थ देवम लत्विजम।
गुंडप्पा, एक पाठ से कुछ नहीं होता। तुम्हें 2 घंटे पश्चात अगले 3 पाठ के श्लोक को स्मरण करना होगा और सबको सुनाना होगा। और गुंडप्पा को ही क्यों, मैं इस कक्षा के सभी छात्रों को यह कार्य देता हूं, 2 प्रहर के पश्चात सभी को ये श्लोक सुनाने होंगे। जो नहीं सुना पाया उसे मैं दंड दूंगा। इतना कठिन कार्य, ये कार्य कैसे संपन्न होगा, वो भी 2 प्रहर में? गुरुवर कृपया अवधि बढ़ा दीजिए समय की। हमने जो कहा वो करो। गुरु जी तो अब हम पर भी क्रोध करने लगे। कैसे स्मरण करेंगे 2 प्रहर में 3 पाठ के श्लोक, ये तो असंभव है। चोर कहीं के? हम दरिद्र अवश्य हैं स्वामी, परंतु चोर नहीं। हमारे दुकान से प्रतिदिन रुई की चोरी हो रही है और हमें ज्ञात ही नहीं हो पा रहा कि इन 4 सेवकों में असली चोर कौन है। सैनिको, इन 4ों को पकड़कर दंड दो। दंड मिलते ही असली चोर स्वीकार कर लेगा कि वही चोर है। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। हम कमाते हैं तो ही हमारे परिवार का पेट भरता है। ऐसा मत कीजिए स्वामी, ऐसा मत कीजिए। ए बंधु, क्या सोच रहा है रामा? बंधु, चोर तो इनमें से कोई एक ही होगा। एक के कारण बाकी 3ों भी कारावास में जाएंगे, एक दोषी के कारण निर्दोष को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये उचित नहीं है। धनी को ले जाओ इसे। ऐसा मत कीजिए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम सेठ जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी असली चोर को पकड़कर आपके समक्ष करता हूँ। पंडित रामाकृष्णा जी, अब आप ही सहारा हैं। अब आप ही इस दुविधा से हमें मुक्ति दिलवाइए। अवश्य अवश्य। सेठ जी, मुझे ज्ञात हो गया है कि चोर कौन है। आप इन 4ों की पगड़ी का निरीक्षण कीजिए, जिसकी पगड़ी में रुई मिलेगी वही चोर है। ये लीजिए, यही है आपका असली चोर, इसी ने रुई चुराई है। मैंने तो पगड़ी का नाम यूं ही ले लिया था, किंतु चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत आज सिद्ध हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए सेठ जी, मैं लालच में आके अंधा हो गया था। सैनिको ले जाओ इसे। पंडित रामाकृष्णा जी ने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, इसीलिए महाराज ने इन्हें अष्ट दिग्गज बनाया है। पंडित रामाकृष्णा जी ने असली चोर पकड़कर निर्दोष को बचा लिया है। पंडित रामाकृष्णा की जय। पंडित रामाकृष्णा की जय। पंडित रामाकृष्णा की जय। सत्य में आज तो तूने कमाल कर दिया रामा। गुंडप्पा, सच सच बोलो, तुमने इतने कम समय में इतना कठिन श्लोक कैसे स्मरण किया? हाँ हाँ गुंडप्पा, बताओ बताओ। लतने से कभी कुछ मलन नहीं होता, और यदि तुम्हें कभी स्मलन हो भी गया तो अधिक समय तक स्मलन नहीं लेता, चाहे वो पाठ के कठिन श्लोक हो या निजी जीवन की साधारण सी बात। यदि शब्दों अल्पात का अर्थ समझ कर स्मलन करोगे तो सरलता से स्मलन हो जाएगा। लच्चू तोता बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मेरा स्थान ग्रहण करना चाहते हो गुरुकुल में? हाँ? गुरु बनना चाहते हो? बालकों को सिखाओगे कैसे अध्ययन करना है? नहीं, चलो एक टांग पे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। यदि किसी ने भी गुंडप्पा से बात करने का प्रयास किया तो इस बेत से
उसका ऐसा हश्र करूंगा कि उसे स्मरण रहेगा। जाओ अपने स्थान पर बैठकर पाठ रटो, रटोगे तो स्मरण होगा। हमने भी इसी प्रकार प्रयास किया था। बैठ जाओ। मैं जितना तुम्हारे प्रति सहज होने का प्रयास करता हूं, तुम उतना ही मुझे क्रोधित करते हो। गुंडप्पा आए दिन नए नए उपद्रव कहां से सूझते हैं। इस गुंडप्पा का कुछ करना पड़ेगा। अब ये मेरे पढ़ाने के ढंग को भी चुनौती देने लगा है। वाणी इसकी थी परंतु शब्द पंडित रामाकृष्णा के थे। गुरुवर ने सत्य कहा था, जब तक गुंडप्पा गुरुकुल में रहेगा पंडित रामाकृष्णा गुरुकुल के कार्यों में हस्तक्षेप करता रहेगा। मुझे अतिशीघ्र ही गुंडप्पा का कुछ उपाय करना पड़ेगा। आज हम हमारे सभी मान्य सभासदों को हमारे एक विचित्र स्वप्न के विषय में बताना चाहते हैं। विचित्र स्वप्न महाराज? अवश्य बताइए महाराज। आपका स्वप्न है तो अवश्य उसमें कुछ गुप्त अर्थ छुपा होगा। सत्य कह रहे हैं गुरु, हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि कोई गुप्त अर्थ अवश्य होगा, परंतु हम वो अर्थ ढूंढने में असमर्थ हैं। हमारा विचित्र स्वप्न कुछ इस प्रकार था। हमने देखा कि हम एक नदी के किनारे विचरण कर रहे थे और अचानक हमारे समक्ष माँ प्रकट हुई। माँ, मैं आज तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। पूछिए माँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक पूर्ण राजा हो? हाँ माँ, हम पूर्ण रूपेण अपने राजधर्म का पालन करते हैं। माँ, कभी नदी की दूसरी छोर की ओर भी देखो, बहुत अंतर दिखाई देगा। माँ, ये था हमारा स्वप्न और तब से हम इस स्वप्न का अर्थ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु गुरुवर आप तो स्वप्न विज्ञान में पारंगत हैं। दीवा स्वप्न भी देखते हैं, आपके स्वप्न में साक्षात शिवजी आते हैं। अब वो तो है महाराज, आपने पूर्णतया सत्य कहा महाराज। शिवजी हमें प्राय दर्शन देते रहते हैं। अद्भुत, तो आप ही हमारी सहायता कीजिए और आप ही हमें बताइए कि इस स्वप्न का तात्पर्य क्या निकलता है। नीले मणि, अपना बुड्ढा तो पूरा फंसा, महाराज के सामने बड़ा ही चतुर बन रहा था। बुड्ढे को इस स्वप्न का तो स्वप्न में भी नहीं पता चल पाएगा, बताएंगे खार। इस स्वप्न का तात्पर्य है कि समझ गए महाराज। महाराज इस स्वप्न का अर्थ है, देवी माँ ने आपको नदी के दूसरे किनारे पर उनका मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया है। जिस किनारे पर आपकी देवी माँ से भेंट हुई थी उसके दूसरे किनारे पर उनका आदेश है कि आप दूसरी ओर देखें, अन्यथा अंतर्ध्यान होकर देवी मां दूसरे किनारे पर प्रकट नहीं होती। अब दूसरे किनारे पर प्रकट होकर मां ने अपने मंदिर निर्माण की भूमि का चयन कर लिया है। पंडित रामकृष्णा, इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या अर्थ हो सकता है इस स्वप्न का? महाराज मेरे विचार से मां परिवर्तन चाहती है। दूसरे किनारे से पहले किनारे को देखने का तात्पर्य है जैसे मैं यहां से आपको देख रहा हूं, अर्थात आप मैं बनकर स्वयं को देखिए। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है पंडित रामकृष्ण। महाराज क्षत्रिय से ब्राह्मण बन जाए? नहीं गुरुवर, ब्राह्मण नहीं, अभी तो सामान्य मनुष्य की भांति स्वयं का आकलन करें। ए बंधु, चुप कर रामा, तू महाराज से ये क्या कह रहा है कि वो सिंहासन छोड़कर तेरी कुर्सी पर बैठ जाए, एक दरबारी बन जाए। बंधु, मैं तो केवल स्वप्न का अर्थ बता रहा हूँ।
कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं पंडित रामकृष्णा? कोई दूसरा बनकर स्वयं को कैसे देख सकता है? हम आम प्रजा बन जाए? जी महाराज, यही तो आपके स्वप्न का अर्थ है। हो सकता है कि माँ आपको आम प्रजा के जीवन की कठिनाइयों को समझाना चाहती हो। कदाचित यही माँ का संकेत है कि हम प्रजा के बीच रहकर उनके सुख दुख को जान सके। परंतु कैसे? क्या बात है महामंत्री जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? महाराज एक विचित्र मुद्दा राज दरबार में आया है, यदि आपकी अनुमति हो तो हम उन्हें बुला लें। अनुमति है महाराज। सलाम महाराज, हमारा नाम अब्दुल्ला बांगड़ू है, हम किसान हैं। सलाम महाराज, हमारा नाम तौफीक सेठ है, हम व्यापारी हैं, हम सूखे मेवे का व्यापार करता है, जैसे कि चिलगोजा, बादाम, किशमिश, खजूर। इसी सिलसिले में व्यापार करने के लिए विजयनगर आया है। प्रणाम, बताइए आपकी समस्या क्या है? महाराज, ये हमारा बेगम है, लेकिन ये तौफीक सेठ इसे अपना बेगम बता रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं महाराज, ये अब्दुल्ला झूठ बोल रहा है, ये नसरीन हमारा बेगम है। पता नहीं ये कमबख्त इसको अपना बेगम क्यों कह रहा है। ये हमारा बेगम है, झूठ काहे को बोल रहा है? चुप कर, तू झूठ मत बोल। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमारा बेगम है, हमारा बेगम है। चुप। तुम दोनों इस तरह से झगड़ना बंद करो। महाराज, इस समस्या का हल तो बड़ा ही सरल है। महाराज, ये स्त्री स्वयं बताएगी ये किसकी पत्नी है। ये किसान अब्दुल्ला बांगड़ू की पत्नी है या व्यापारी तौफीक सेठ की पत्नी है? ए स्त्री, बोलिए किसकी पत्नी है आप? इस किसान की है या इस व्यापारी की? अम्मा, अम्मा। फिर क्या हुआ स्त्री जी, बोलिए। डरने की आवश्यकता नहीं, हम आए ना। अर्थात महाराज है ना? अब दरबार में खड़ी है, डरी मत, बोलिए, सत्य बोलिए। बेगम, 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 चूना नहीं, हमारी बेगम है ये। अल्लाह का खौफ क्यों? खौफ का? अरे कोई कुछ करो ना। शीघ्र राजवैद्य को बुलाइए। राजवैद्य को बुलाया जाए। महाराज, ये स्त्री अत्यंत मानसिक तनाव के कारण मूर्छित हो गई है। इनसे इस वक्त कोई भी सवाल करना उचित नहीं होगा, इनकी जान भी जा सकती है। महाराज, अगर आप आज्ञा दे तो और निरीक्षण के लिए इस स्त्री को अपनी वैधशाला ले जाना चाहता हूं। आज्ञा, हमारा फैसला कीजिए महाराज। महाराज, हमने सुना है ये पंडित रामकृष्णा प्रजा के दुख दर्द को बहुत करीब से समझता है। महाराज, इनको बोलो ना कि हमारे समस्या का समाधान करे, हमको यकीन है कि सब ठीक होगा। जनाब ने पंडित रामकृष्णा जी, महाराज, आपको इस समस्या का समाधान निकालना है और वो भी अभी इसी समय। जी महाराज। व्यापारी और किसान दोनों में से सत्य कौन बोल रहा है? वो स्त्री इन दोनों में से किसकी पत्नी हो सकती है? हमारा फैसला कीजिए महाराज। हम कांदार से व्यापार करने के लिए विजयनगर आया, ये अब्दुल्ला झूठा है, हमारा पीछा करते करते इधर विजयनगर तक आए ये। अब नहीं तो हमारा पीछा करते करते इधर आया। महाराज, वो हमारी बेगम है, हमें उसको ले जाने की इजाजत दीजिए, हम उसको अच्छे से देखभाल करेगा। हमारी आखिरी उम्मीद आप ही हो महाराज।
महाराज, ये समस्या आपके लिए छोटा होगा पर हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है। महाराज, हमने सुना है ये पंडित रामकृष्णा प्रजा के दुख दर्द को बहुत करीब से समझता है। महाराज, इनको बोलो ना कि हमारे समस्या का समाधान करे, हमको यकीन है कि सब ठीक होगा। ए बंधु, तैयार हो जा रामा, ये समस्या भी तेरे सर आने वाली है। किंतु मुझे इसका समाधान नहीं सूझ रहा बंधु। सुना आपने पंडित रामकृष्णा? जी महाराज। आपको इस समस्या का समाधान निकालना है और वो भी अभी इसी समय। अभी? जी महाराज। व्यापारी और किसान दोनों में से सत्य कौन बोल रहा है? वो स्त्री इन दोनों में से किसकी पत्नी हो सकती है? मेरी बात ध्यान से सुनो पुत्र युद्धवीर, तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। युद्धवीर, मैं तुमको सबका प्रिय बनने का उपाय बताता हूं। प्राचीन खंडहर में एक बाबा रात्रि में मिलते हैं। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मनुष्य को सबका प्रिय बनने का गुण आ जाता है। कभी अवसर मिले तो अर्धरात्रि प्राचीन खंडहर में जाना और ये गुप्त बात सबको नहीं बताता। यदि ये बात कुंडप्पा को पता चल गई तो बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर वो मेरा प्रिय बन जाएगा। प्राचीन खंडहर में तो कोई नहीं जाता, कहीं गुलवल युद्धवील से उपास तो नहीं कर लेते? परंतु क्यों चलेंगे, युद्धवील तो गुलवल का प्रिय शिष्य है। मुझे प्राचीन खंडहर में जाकर ज्ञात करना ही होगा। यदि गुलवल की बात सच हुई तो मैं भी सबका प्रिय बन जाऊंगा। आज कुंडप्पा अवश्य आएगा पुराने खंडहर में, फिर कभी गुरुकुल में आने के योग्य नहीं रहेगा। पंडित रामकृष्णा, क्या सोच रहे हैं आप? अरे बताइए ना पंडित रामकृष्णा जी, आप पर तो माँ का आशीर्वाद है, निर्णय करिए अंततः वो स्त्री किसकी पत्नी है, किसान अब्दुल्ला बांगड़ू की या व्यापारी तौफीक सेठ की? आप तो महाज्ञानी हैं, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, वेशभूषा, भाषा शैली से उसके व्यक्तित्व को ज्ञात कर लेते हैं। तो बताइए किसकी पत्नी है वो? धन्यवाद गुरुवर। धन्यवाद मत करिए, समस्या का समाधान करिए। गुरुवर, अब आपके कारण ही तो इस समस्या का समाधान निकालने का मार्ग दिख रहा है, तो धन्यवाद भी तो आप ही को कहूंगा। आपके कारण ही ये जानने का उपाय मिला है कि वो स्त्री किसकी पत्नी है। महाराज, यदि राजवैद्य आज्ञा दें तो मैं उस स्त्री को दरबार में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण आप? आपने सुना नहीं राजवैद्य जी ने क्या कहा था? उस स्त्री से कोई भी प्रश्न पूछना उसके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। गुरुवर, मैं उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। किंतु इस समस्या का हल तो केवल उसी स्त्री के पास है महाराज, इसलिए उन्हें यहाँ बुलाया जाए। अवश्य पंडित रामकृष्ण, उस स्त्री को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये पंडित रामकृष्णा बिना कुछ पूछे कैसे निर्णय कर लेगा कि कौन इस स्त्री का पति है? महाराज, राजवैद्य जी ने बिना प्रश्न किए जांच करने की आज्ञा दे दी है। देवी जी, आपको भयभीत होने की या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपको बस एक छोटा सा कार्य करना है, कृपया बाहर जाएं और थोड़ी सी घास काट कर ले आए। घास काट कर लानी? ये कैसी मूर्खता की बात कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्णा? गुरुवार,
इनके साथ जाओ। धन्यवाद महाराज। अब देवी जी को स्याही की गोलियां और एक खाली शीशी प्रदान की जाए। अब क्या करने वाला है पंडित रामकृष्ण? देवी जी, अब आपको एक अंतिम कार्य करना है। कृपया इन गोलियों से स्याही बना दें, इन्हें जल दिया जाए धन्यवाद। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहा है ये पंडित रामकृष्ण? महाराज, मैं अपने निर्णय के साथ तैयार हूं और मेरा निर्णय ये है कि ये देवी व्यापारी तौफीक सेठ की पत्नी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। पंडित रामकृष्ण, क्या सबूत आपके पास कि ये हमारी बेगम नहीं तौफीक सेठ की बेगम है? पंडित रामकृष्णा, कृपया स्पष्ट कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। महाराज, स्त्री ने स्वयं बताया है कि ये किसकी पत्नी है। स्त्री ने बताया? स्त्री ने तो एक शब्द भी नहीं बोला है। वही तो गुरुवर, मैंने पहले इन्हें घास काटने को कहा। यदि ये किसान अब्दुल्ला बांगड़ू की पत्नी होती तो ठीक उसी प्रकार घास काट कर लाती जिस प्रकार घास काटने में अभ्यस्त किसान की पत्नियां काटती। उनके द्वारा काटी गई घास बिल्कुल एक समान आकार की होती है, किंतु ये देखिए महाराज, जो घास ये काट कर लाई है वो अलग अलग आकार की है, जिससे ये सिद्ध होता है कि आज से पूर्व इन्होंने घास काटने का कार्य कभी नहीं किया और इसलिए ये किसान की पत्नी नहीं हो सकती। फिर मैंने इनसे दवात में जल भरने के लिए कहा। महाराज, व्यापारियों को कलम की आवश्यकता पड़ती रहती है और इसलिए व्यापारियों की पत्नियां स्वयं उन्हें स्याही बनाकर देती है। इसलिए उन्हें ज्ञात होता है कि स्याही बनाने में जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब ये देखिए महाराज, इस शीशी में भी जल उतना ही डाला गया है जितना आवश्यक था। जिससे ये सिद्ध होता है कि ये एक व्यापारी की पत्नी हो सकती है। चुप! किसी और की पत्नी को अपनी पत्नी बताते हुए शर्म नहीं आती आपको? सैनी को बंदी बना लिया जाए इसे। नहीं, इन्हें छोड़ दीजिए। हमारा बच्चा इसके कब्जे में है। क्या? क्या? हमारा इमरान इसके कब्जे में है। तुम हमसे झूठ बोला, तुम हमको बोला कि रिश्तेदार के असर के पार उसको छोड़ के आया है। अब डर गया था, अपने बच्चे के खातिर हमने झूठ बोला, इसलिए दरबार में भी खामोश था। महामंत्री जी। महाराज, बोल अब्दुल्ला, बता स्त्री का बच्चा कहाँ है, बोल। हमको नहीं मालूम। याद रहे, हमारी तलवार के एक वार से तेरा सिर धड़ से अलग हो सकता है, बोल। वो उधर सराय में जिदा आम ठहरा हुआ है। सिपाहियों, इसके साथ जाओ और बच्चे को ले आओ।
महाराज, हम लोग कांधार देश का रहने वाले हैं। ये अब्दुल्ला भी कांधार देश का ही है। हमारे निकाह से पहले हम अब्दुल्ला से प्यार करता था, लेकिन उसकी झगड़ालू आदत की वजह से हमारे अब्बू ने हमारा निकाह इनके साथ कर दिया। महाराज, हम यहाँ पे अपने शौहर के साथ उनके कारोबार के सिलसिले से आया था और ये यहाँ भी आ गया। इसने हमें हमारे बच्चे के साथ देखा और हमारे बच्चे को अगवा कर लिया, हमको धमकी दिया कि अगर हम उसकी बेगम नहीं बना तो हमारे बच्चे का कत्ल कर देगा। हम डर गया था इसलिए कुछ नहीं बोला। किंतु चुप रहकर धमकी सुनना भी अपराध ही होता है देवी जी। ऐसा करके तो आप उस अब्दुल्ला बांगड़ू की योजना सफल ही कर रही थी। इसलिए कभी भी अपराधियों से भयभीत नहीं होना चाहिए और समय रहते उनका विरोध करना चाहिए। यदि आपने ये बात पहले ही बता दी होती तो बात इतनी आगे बढ़ती ही नहीं। हमारा बच्चा, मंत्री जी, इस अब्दुल्ला को कारावास में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सैनिको, ले जाओ इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। आपकी वजह से आज हमको हमारा बेगम और हमारा बच्चा दोनों मिल गए। पंडित रामाकृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में बहुत समझदार हैं। आखिर आप हर समस्या का हल इतनी आसानी से कैसे कर लेता है? करना ही पड़ता है, मेरा कार्य है ना। नहीं करूंगा तो महाराज के दरबार में सलाहकार के पद पर कैसे रहूंगा? ये सिर्फ आपका काम नहीं, आपका हुनर है पंडित रामाकृष्ण जी, जिसे आपके सिवा और कोई अंजाम नहीं दे सकता। जो आप करता है ये बड़े से बड़ा काबिल इंसान भी नहीं कर सकता है। हम ता उम्र आपका एहसान मन रहेगा। चलो बेगम, चलो। स्वयं देख लेना सुगंधा, हमारे मुंह बोले भाई कृष्णा हमारा स्वागत किस सम्मान से करते हैं। कृष्णा हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारा भाई चक्रवर्ती महाराज कृष्ण देवराय है। सत्य में वो इतने महान है? कान कान तो है ना, वो राजा है तो क्या मनुष्य नहीं है? कान किसे नहीं होंगे? कान नहीं, महान महान महान। हाँ हाँ समझ गए, चिल्ला क्यों रही हो? त्रिलोकी, हम विजयनगर कब तक पहुँचेंगे? कल तक। चलकर क्यों? क्या तेरे सहायकों के पैर टूट गए हैं? राई, चल नहीं, कल तक पहुँचेंगे। हाँ हाँ समझ गए, चिल्लाते क्यों है? हम सब जानते हैं, उतावली हो रही हो ना हमारे भाई से भेंट करने के लिए। हमारा भाई एक आकर्षक पुरुष है, हमें पता है वो तुम्हारे मन को अवश्य भाएंगे। तुम हमारी भतीजी हो, किसी राज की राजकुमारी नहीं हो तो क्या हुआ? हमारा भाई हमारा कहां कभी नहीं टालेंगे, वो अवश्य तुमसे विवाह करेंगे। पंडित रामकृष्णा,
जी महाराज। पंडित रामकृष्ण एक बात बताइए कि आपको भी ऐसा लगता है कि हम आपका कार्य नहीं कर सकते, अर्थात हम विजयनगर राज्य का पालन करते हैं, कि आपका कार्य हमारे कार्य से अधिक कठिन है? नहीं नहीं महाराज, वो तो नहीं। पंडित रामकृष्ण, जब व्यापारी की पत्नी ने आपसे बात कही तो आप मंत्रमुग्ध रह गए थे जी। आपकी मुस्कान में उनकी बात का अनुमोदन था। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। पंडित रामकृष्ण एक बात बताइए, आपको क्या लगता है हमारा कार्य क्या है? जी महाराज। हाँ बताइए पंडित रामकृष्ण, एक महाराज होने के नाते हमारा कार्य क्या है? वो विजयनगर पर शासन करना, हम सबको आदेश देना, जैसा आपने अभी मुझे इस समस्या का हल करने का आदेश दिया था महाराज। अच्छा, आपका तात्पर्य है कि एक राजा केवल आदेश देता है। पंडित रामकृष्ण, महाराज का कार्य केवल आदेश देना होता है। यदि यही आपकी सोच है तो यह पूर्णतः महाराज का अपमान, राजद्रोह है। रामा, बात बिगड़कर कहीं और जा रही है, संभाल ले। नहीं नहीं गुरुवर, मैं तो ये कह रहा था कि हर राजा यही करते हैं। अच्छा, तो आपके कहने का तात्पर्य ये है पंडित रामकृष्ण कि हम किसी भी आम राजा की भांति है, हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। महाराज, महाराज पंडित रामकृष्ण का कहने का तात्पर्य क्या तात्पर्य है महामंत्री जी, क्या तात्पर्य है? शिव 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 शिव। एक साधारण राजा और चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री कृष्णदेव राय में कोई अंतर नहीं है? शिव। नहीं नहीं गुरुवर, मैं व्यक्तित्व और शौर्य की बातें नहीं कर रहा। यही इसी बात की कमी रह गई थी पंडित रामकृष्ण। आपकी दृष्टि में महाराज का व्यक्तित्व और शौर्य कुछ नहीं। नहीं गुरुवर, महाराज राजा बनकर राज्य करना कठिन कार्य होता है पंडित रामकृष्ण। इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी प्रजा का ध्यान रखना होता है, आसान काम नहीं है पंडित रामकृष्ण। एक दिवस के लिए सिंहासन बैठ कर देखो, सब ज्ञात हो जाएगा आपको। यहाँ खड़े होकर राय देने से कुछ नहीं होगा, राय देना आसान है, राजा बनना कठिन कार्य है। उचित कथन है आपका गुरुवर, परंतु केवल एक दिवस ही क्यों, तीन दिवस क्यों नहीं? अर्थात पंडित रामकृष्ण, हमने एक निर्णय लिया है। पंडित रामकृष्ण अब देंगे महाराष्ट्र में दंड, और हमारा निर्णय यह है कि कल से तीन दिवस तक पंडित रामकृष्ण हमारा कार्यभार संभालेंगे, और हम पंडित रामकृष्ण का क्या? ये क्या 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 महाराज? इसका अर्थ ये हुआ कि अगले तीन दिवस तक पंडित रामकृष्ण विजयनगर के महाराज बने रहेंगे। सत्य कथन है आपका गुरुवार, ऐसा ही होगा। परंतु महाराज, गुरुवार नहीं नहीं महाराज, ये कैसे संभव है? क्यों संभव नहीं है पंडित रामकृष्ण, क्यों संभव नहीं? ये आपके अनुसार भी तो हमारे स्वप्न का अर्थ ही होता है कि हमें किसी और के दृष्टिकोण से स्वयं को देखना होगा, तो बस अब हम स्वयं को आपके स्थान पर आकर देखेंगे। परंतु महाराज, ये हमारा आदेश है पंडित रामकृष्ण,
कल से हम महाराज के प्रमुख सलाहकार का कार्यभार संभालेंगे और आप स्वयं महाराज का। एक महाराज के स्थान पर आकर ही आप समझ पाएंगे कि एक राजा का कार्यभार क्या होता है और हम प्रजा के मध्य में रहकर ये समझ पाएंगे कि उनकी समस्याएं क्या होती हैं। नहीं नहीं महाराज, मैं भला आपका पद कैसे ले सकता हूँ? पंडित रामकृष्णा, माँ हमारे स्वप्न में आई थी, हमसे कुछ कहा था। उस कथन को सत्य करने हेतु किसी न किसी को तो हमारे स्थान पर आना ही होगा और आपसे उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है? गुरुवर महाराज, गुरुवर गुरुवर मुझसे उपयुक्त रहेंगे महाराज, इन्हें तो कार्यवाहक महाराज का अनुभव भी है। सत्य वचन, सत्य वचन। हम नहीं, यदि महाराज कहें तो हम नहीं। गुरुवार नहीं, मात्र पंडित रामकृष्ण ही ये कार्य करेंगे। हमारा निर्णय कल प्रातःकाल से लागू होगा। कल प्रातःकाल से पंडित रामकृष्ण अपने परिवार सहित हमारे राजमहल में राजा बनकर रहेंगे और हम पंडित रामकृष्ण के निवास पर जाकर रहेंगे। कल से पंडित रामकृष्ण 3 दिवस तक पूरी स्वतंत्रता से राज का कार्य संभालेंगे और कल से हम वो करेंगे जो पंडित रामकृष्ण करते हैं, अर्थात महाराज के प्रमुख सलाहकार का कार्य। महाराज के रूप में ये अगले 3 दिवसों तक हमारा अंतिम आदेश होगा। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। महाराज कृष्ण देव राय की जय। हाँ बताइए पंडित रामकृष्ण, महाराज होने के नाते हमारा कार्य क्या है? विजयनगर पर शासन करना, हम सबको आदेश देना। आपका तात्पर्य है कि एक राजा केवल आदेश देता है। हमने एक निर्णय लिया है, 3 दिवस तक पंडित रामकृष्ण हमारा कार्यभार संभालेंगे। पंडित रामकृष्ण, हम ये नहीं होने देंगे। हम तुम्हें 3 दिवस के लिए तो क्या, 3 पल के लिए भी महाराज नहीं बनने देंगे, कदापि नहीं। अरे मनी, हो ना हो अपने बुड्ढे के मस्तिष्क में ना कोई नया प्रपंच चल रहा है। कितना भी प्रपंच चले लेकिन ये बुड्ढा पंडित रामकृष्ण को राजा बनने से नहीं रोक पाएगा, देख लेना। हाँ। रामा, अम्मा शारदा को जब ज्ञात होगा कि तू राजा बन गया है तो वो कितनी प्रसन्न होंगी। बंधु, ये प्रसन्नता का विषय नहीं है, व्यर्थ ही महाराज से विवाद हो गया। अरे मैं एक राजा का कार्यभार कैसे संभालूंगा? नहीं नहीं, जो हुआ उचित नहीं हुआ। आ गया तू? नहीं, अभी आना शेष है। और ये सब क्या है? ये कैसा व्यवहार कर रहे हो दोनों? जैसा एक राजमाता को करना चाहिए वैसा ही कर रही हूँ महारानी शारदा। हाँ, आपको मंडी से तरकारी लेकर आनी है, जल भी भरना है,
शैया की मरम्मत भी करनी है। बैठो तो चर मराने का स्वर आता है। हाँ, और आपको भोजन भी बनाना है, घर भी स्वच्छ करना है, और याद रखिए भास्कर को दूध भी पिलाना है। बस बस बापू को थोड़ी श्वास तो लेने दो, आए नहीं कि कार्य की झड़ी लगा दी। ओ शारदा महोदया, मंडी से तरकारी मैं ले आऊंगा, शैया भी मैं ठीक कर दूंगा, किंतु भोजन बनाना, घर स्वच्छ करना और भास्कर को दूध पिलाना तो तुम्हारा कार्य है ना। हम विजयनगर की महारानी हैं, हम ये छोटे मोटे कार्य नहीं करते। आइए राजमाता। किंतु राजा तो मैं हूं ना। अरे रामा, अगले 3 दिवस तेरे जीवन के सबसे कठिन दिवस होने वाले हैं। सत्य कह रहा है बंधु, मुझे भी यही आभास हो रहा है। रामा, किसने कहा था इतना बड़ा उत्तरदायित्व लेने के लिए? रे, मैं स्वयं के ऊपर आए राजा बनने के उत्तरदायित्व को लेकर चिंतित नहीं हूँ। मैं तो ये सोचकर चिंतित हूँ कि महाराज प्रमुख सलाहकार का कार्य कैसे करेंगे। स्वयं की चिंता नहीं है मुझे, महाराज की चिंता हो रही है। जो भी हुआ अनुचित था, लेकिन तू ये सोच ले, अब मैं विजयनगर के महाराज की शिखा हूँ, अब मुझे अच्छी मात्रा में तेल पीने को मिलेगा। रामा, चुप कर। हमें विश्वास नहीं होता, अश्ववाहनी सेना के सेनाध्यक्ष हमारे समक्ष खड़े हैं, परंतु अश्व कहाँ है? घास खाने गए। महोदय, हम अपने और अपने राज्य की सेना के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। बहुत अच्छे, हमें तुमसे यही आशा थी। सुनो, एक चोर ने इस क्षेत्र में उत्पात मचा रखा है, और हमें गुप्तचरों से सूचना मिली है कि आज रात्रि वो प्राचीन खंडर में आने वाला है। आप चिंतित ना हो महोदय, हम उसे बंदी बनाकर आपके समक्ष लेके आएंगे। नहीं, तुम उसे बंदी बनाकर हमारे समक्ष नहीं लाओगे। अभी तो उसे बंदी बनाकर 3 दिवस तक वहीं रखोगे, और 3 दिवस के पश्चात उसे मार देंगे। मारोगे नहीं, मुक्त कर दोगे। उचित है महोदय। हाँ, परंतु ध्यान रहे, वो चोर बहुत ही चतुर है, वेशभूषा बदलने में विशेषज्ञ है, किसी भी वेश में आ सकता है, राज्य के कर्मचारी के वेश में। परंतु हमें गुप्तचरों से सूचना मिली है कि आज वो पंडित रामाकृष्णा के वेश में प्राचीन खंडहर में आने वाला है। पंडित रामाकृष्ण? परंतु प्रश्न करते हो, अब हम समझे तुम्हें विजयनगर की सेना में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। यही कारण है, आदेश का पालन करना चाहिए, शंका कुशंका संदेह नहीं। सेना अध्यक्ष ने जो आदेश दे दिया सो दे दिया। आपका अभियान अवश्य सफल होगा, यहां जाकर कार्य आरंभ करो। अब आएगा आनंद। महाराज पंडित रामाकृष्णा को 3 दिवस तक दरबार में ना देखकर विचलित हो जाएंगे, पर महाराज को ऐसा लगेगा पंडित रामाकृष्णा राजा के कार्यभार से भयभीत होकर लुप्त हो गए हैं, और अपने कार्य का निर्वाह ना करने के आरोप में पंडित रामाकृष्णा को मिलेगा दंड। वही तो हम चाहते हैं। वो तो ठीक है गुरुजी, परंतु धनी मनी को बताइए कि वो पंडित रामाकृष्णा इतनी रात्रि को प्राचीन खंडर में जाएगा क्यों? वो सब हमने सोच रखा है मेरे बच्चों। ये लोग कौन है? ये क्या है? अरे महारानी जी,
आप क्यों कष्ट करती हैं? मैं उठाता हूँ ना। महाराज कृष्णदेव राय के प्राण पर संकट है। उनका सामान्य मनुष्य बनना इस संकट को और बढ़ा देगा। बात जाननी है तो अर्धरात्रि को प्राचीन खंडहर में आकर मिलो। पत्र में लिखा क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, अब आपकी तरकारी। प्राचीन खंडहर में पंडित रामा कृष्णा तो गया। बड़ा आया तो राजा बनने। बस रात्रि हो जाए, हम छिप कर जाएंगे और स्वयं अपने नेत्रों से पंडित रामा कृष्णा को बंदी बनाए जाते हुए देखेंगे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। कहो, इस समय कैसे आना हुआ? गुरुदेव, महाराज ने आपको शीघ्र अति शीघ्र बुलाया है। महाराज ने हमें अभी क्यों बुलाया है? चलो। हम क्या सुन रहे हैं महाराज? आप 3 दिवस के लिए विशेष सलाहकार बनेंगे और पंडित रामकृष्णा महाराज। जी महारानी चिन्ना देवी, माँ ने स्वप्न में आकर जो संकेत दिया था उसको पूर्ण तो करना ही होगा। पंडित रामकृष्ण प्रजा से जुड़े हुए, उनके मधुर संबंध है प्रजा के साथ। हमें लगता है कि उनके पद पर आसीन होकर हम भी प्रजा से वही संबंध स्थापित कर सकते हैं। माँ के आदेश के पालन के लिए एक विशेष सलाहकार के पद से उपयुक्त और कोई पद नहीं होगा महारानी चिन्ना देवी। वैसे भी पंडित रामकृष्ण को लगता है कि एक राजा केवल आदेश देता है, अब क्या होगा उन्हें? क्या महाराज? हम कह रहे थे महारानी चिन्ना देवी कि हम स्वयं से अधिक तो पंडित रामकृष्ण को लेकर चिंतित हैं। कल जब उन पर एक राजा के कार्यभार का बोझ पड़ेगा तो हम आशा कर रहे थे कि उनके कोमल कंधे इस बोझ को उठा सके। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम महाराज। आपने हमें बुलाया? जी महामंत्री जी, हमें लगता है कि पंडित रामकृष्ण के लिए ये राजकीय कार्यभार संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है, अतः हम ये विचार कर रहे थे कि बहुत अच्छा किया आपने महाराज बुला लिया हमें। हम अर्थात हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि पंडित रामकृष्ण का महाराज बनना असंभव। हाँ, उन्हें अनुभव भी नहीं है ना महाराज, और हमें। गुरुवर, हमने इसी विषय में आप दोनों को कुछ निर्देश देने हेतु बुलाया है। हम चाहते हैं कि अगले 3 दिवसों तक आप दोनों पंडित रामकृष्ण को सहयोग दें। महामंत्री जी, आप प्रशासन, और गुरुवर आप विधि, नियम और धर्म के निर्णय में पंडित रामकृष्ण की सहायता करेंगे। महाराज, हम और पंडित महाराज हम और पंडित जो आज्ञा महाराज। महाराज, हम ये कह रहे थे कि हम और पंडित रामकृष्ण की सहायता क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। अद्भुत, हमें भी आपसे यही अपेक्षा थी। अब आप प्रस्थान कीजिए। महाराज प्रणाम। महाराज, महारानी चिन्ना देवी, कल से हमें एक साधारण नागरिक का जीवन व्यतीत करना होगा। आशा करते हैं कि आप तैयार हैं। माँ के दिखाए गए मार्ग से हमें अवश्य लाभ होगा, ये हमारा विश्वास है। एक साधारण नागरिक का जीवन जीना एक विशिष्ट अनुभव होगा, क्यों महारानी जी? महाराज, हम बहुत उत्सुक हैं। जीवन में तनिक सा परिवर्तन होना आवश्यक है। जी,
तो तैयार हो जाइए महारानी जी, और आप भी तैयार हो जाइए विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय। कोतवाल जी, ये किसी का उपहास भी हो सकता है, किंतु महाराज की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए जांच तो करनी पड़ेगी। पंडित रामकृष्ण जी, आप सत्य कह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं रात्रि में उस प्राचीन खंडार में जाऊंगा और जांच करूंगा, और यदि वहां कोई मिला तो वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। पूर्व में आपको तो ज्ञात है कि मैंने कितने साहसिक कार्य किए। पंडित रामकृष्ण जी, मैं अकेला शेर से लड़ा हूँ, डाकुओं से लड़ा हूँ, ये मत पूछिए कि मैं कहाँ कहाँ और किस किस से नहीं लड़ा हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं पूछता, नहीं पूछता, चलता हूँ। नहीं नहीं, मैं कोतवाल जी पर निर्भर नहीं रह सकता, महाराज की सुरक्षा का प्रश्न है। बिना सत्य जाने यदि मैं महाराज को मेरे निवास रहने आने से रोकूंगा तो वो मानेंगे नहीं। पत्र में कितनी सत्यता है ये ज्ञात करने के लिए मुझे प्राचीन खंडहर में जाना ही होगा। प्राचीन खंडहर में एक बाबा रात्रि में मिलते हैं। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मनुष्य को सबका प्रिय बनने का गुण आ जाता है। कभी अवसर मिले तो अर्धरात्रि प्राचीन खंडहर में जाना। मुझे गुलवल का प्रिय बनना ही होगा, तभी मेरी शिक्षा पूर्ण हो पाएगी। लातली को प्राचीन खंडहर में जाना उचित तो नहीं होगा, परंतु मुझे जाना ही होगा। हे माँ, लामा को यह बात कभी ज्ञात नहीं होने देना, अन्यथा वो अत्यंत कुपित होगा। सावधान! कोतवाल महोदय, आगे प्राचीन खंडर है। क्या? तो फिर यहां रुक के क्या कर रहे हो? चलो पीछे चलो, चलो वापस चलो। यदि पंडित रामकृष्ण को ज्ञात हुआ कि मैं भयभीत होकर खंडहर में नहीं गया तो मुझे दंड मिलेगा। कल से वो ही राजा का कार्यभार संभालने वाले हैं। संभव है मुझे कायर समझ के कोतवाल के पद से ही न हटा दें। उफ, जाना तो पड़ेगा ही, क्या समस्या है। सैनिको, हमें इस प्राचीन खंडहर में एक बार जांच के लिए चलना पड़ेगा। आओ, आओ सुनो, मेरे साथ ही रहना, इधर उधर नहीं होना। हाँ, आओ आओ, मेरे साथ ही रहना। रुको, बोलो, चलो। गुंडप्पा के बच्चे, इस प्राचीन खंडहर में कोई आता जाता नहीं। मैं तुझे ऐसे अंधेरे तहखाने में बंदी बना लूंगा जहां तुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जब तक तेरे सगे संबंधियों को जानकारी प्राप्त होगी तब तक विलंब हो चुका होगा, और मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुझसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। शायद ये वही चोर है।